What happened on that? Please, have your seat. Thank you, sir. Abi Amit Kumar Singh. Yes. कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इस कॉमर्स में? यस सर। अच्छा, इसमें बीकॉम किया होगा फिर आपने? यस, बीकॉम और इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट मेरा बायोलॉजी से था। बायोलॉजी से। अच्छा, गुड। तो आपने प्रेफरेंस में पहला आपने डिप्टी डायरेक्टर बनाया, दूसरा इसके आप कहीं सर्विंग है इसमें? आज सर्विंग समझ रहे कहीं आप काम कर रहे हैं? कहाँ? मैं सहायक विकास अधिकारी कॉपरेटिव पद पे सिद्धार्थ नगर में। ये बताइए, आपने पहली पोस्ट पे आपने डिप्टी कलेक्टर को भरा है, ठीक है, दूसरे पर आपने डिप्टी एसपी को भरा है, ठीक है, तीसरी पर असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स को भरा है, और सबसे लास्ट में आपने जिसको नंबर दिया है वाणिज्य कर अधिकारी को दिया है। कोषाधिकारी को भी आप पाँचवें नंबर पर ले गए हैं, कमांडेंट को सातवें नंबर पर ले गए हैं, तो इसका मतलब आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो एडमिनिस्ट्रेशन पर है, इंटरेस्ट भी आपका। आप ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन को मौजूदा परिवेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? एज ए मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैंने किया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूदा परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेशन को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक सर अभी मतलब अभी जनता इतनी जागरूक नहीं है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत नीचे लेवल पर जाके लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता दिखानी पड़ रही है सर। और साथ ही साथ सर कुछ अभी कुछ संसाधनों की संसाधनों की कमी का समाधान करना पड़ रहा है। किस चीज़ की कमी? संसाधन की कमी है सर कुछ अभी में। अच्छा सर, और सर या तो आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए, मैंने ये आपसे पूछा है कि प्रशासन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने मुझे ये बताया कि भाई वो तमाम जो है निचले लेवल पर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे आप एक बात बताइए कि जब अंग्रेज भारत से गए थे तब संसाधन कम थे, या आज की तारीख में जब दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है और हम सिर्फ सिंपली बाई पुशिंग ए बटन वी कैन लॉन्च मिसाइल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आज हम सिंपली एक बटन को पुश करके दुनिया के किसी भी कोने में कोई मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, तब संसाधनों की कमी है या तब संसाधनों की कमी थी जब हमारे पास मोबाइल भी नहीं था? नहीं सर, कमी तब थी तो ना, तो अब तो मैं समझता हूँ कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर, मैं जी रहे 21वीं सदी में जी रहे सर, और बहुत सारी लेकिन सर चुनौतियाँ भी 21वीं सदी की हो गई। नहीं तो आपने ये बताया कि संसाधनों की कमी है, कौन से संसाधन को मुझे बताइए आप, संसाधन किस संसाधन की बात आप कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज? सर, मैनुअल रिसोर्सेज कमी पड़ रही कई जगहों पे। किसकी? मैनुअल रिसोर्सेज की सर, मानव संसाधन। यस सर, मानव संसाधन के मामले में तो आई थिंक इंडिया इज स्टैंड्स एट सीरियल नंबर 1। यस सर, बट पूरी दुनिया में। यस सर, इन कुशल मानव संसाधन सर की कमी है। इफेक्टिव इफेक्टिव संसाधन से आपका मतलब कि जो किसी कार्य में मतलब स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलाइज हो, इस सारी चीज़ की कमी पड़ रही इंडिया में। वही एक बात बताइए, जिनको कभी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, ये देसी बदमाश जो है कट्टा लेके जिसको चाह रहे हैं थानेदार को गोली मार दे रहे हैं, आप कहते हैं संसाधनों की भी कमी है और स्किल की भी कमी, स्किल की कहाँ कमी है, बिना ट्रेनिंग की गोली मार रहे हैं थानेदार पटाक से रंगे जा रहा है, मतलब इतने अच्छे निशानेबाज अपने देश में, बिना ट्रेनिंग के बदमाश जो है गोली चलाते हैं और जिसको चाहते हैं उसको मार दे रहे हैं, आप कहते हैं संसाधनों की कमी है और एक्सपर्टाइज की कमी है, मैं कहता हूँ संसाधन भी पूरे हैं, एक्सपर्टाइज भी पूरी है, आप काउंटर करिए मुझे कैसे घर का जो भी जोगड़ा आम गांव का सिल्क वाली बात हो रही है, यहाँ आपको लग रहा है कुछ है ही नहीं और वहां जाके विदेशों में धूम मची हुई है, बताइए इसको। आप एस डी एम और डिप्टी एस पी बनना चाहते हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले तो चुनौतियों से रूबरू हुआ जाए। सर, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा हूँ कम्फर्टेबल बनाने के लिए चुनौतियों,
बिल्कुल आप कंफर्टेबल होकर मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि अभी तो आप किस तारीख को इंटरव्यू आपका है? मेरा 5 जनवरी को सर। 5 जनवरी को जो एडमिनिस्ट्रेशन में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो चुनौतियाँ हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। आपने पीछे देखा होगा, वो जो सुबोध कुमार जी मारे गए थे, सबसे बड़ी जो चुनौती है मैं आपको बता दूँ, इतने देर में आप सोच पाए कि नहीं सोच पाए, अभी बताइए। नहीं सर, मैं थोड़ा सा हिंट लिया, आपके मैं पहुँच रहा हूँ आप पे। पहुँच रहा हूँ, चलिए बता, आप बताइए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी चुनौती हो गई। यस, अब आप आए, इसीलिए मैं आपको डाइवर्ट करके लाया कि मैं थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। हाँ, अब बताइए। कल्चर को लेकर समस्या आ रही है प्रशासन को, उद्योगों की कमी की समस्या आ रही है प्रशासन को, इसी समस्या से प्रशासन को फेस करना पड़ रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो आ रही है उसका कोई एक थिनर पार्ट बताइए, जो सबसे बारीक है पार्ट है और वहीं पर सारी चीज़ आके टिक रही है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ती जा रही है। सर, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता इसका थिनर पार्ट है सर। लोगों में सांप्रदायिक चेतना थोड़ा सा जो है अफवाहें फैल रही समाज में सोशल मीडिया के थ्रू, इसमें लोग थोड़ा सांप्रदायिक हो रहे हैं सर, ये समुद्र समस्या आ रही है यूपी में भी। मैं थोड़ा सा आपको और नज़दीक लाना चाहूँगा, एक फिलर दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि प्रशासन जिन दो पायों पर खड़ा है, वो पहला है टेरर या फियर, प्रशासन का भय, ठीक है, और दूसरा है क्रेडिबिलिटी, जिसको विश्वसनीयता कहते हैं। ये दो पाए हैं जिसमें प्रशासन टिका होता है। और जो चुनौतियां हो रही हैं कि लोगों का भय, पहले आपको ध्यान होगा, आप तो आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं, कौन सा है? अकबरपुर। अच्छा, मिलेगी अगर मुझे, ठीक, सब आजमगढ़ का भाई, सारा देश आजमगढ़ में, कहीं SDM और PSP लगाओगे भाई। मैं ये कह रहा था कि ये आपने जो फियर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत ज़रूरी है। आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा, अपने पिताजी से पूछिएगा और लोगों से, किसी ज़माने में लाल साफा बांध के चौकीदार गांव में चला जाता था तो लोग डर जाते थे कि भाई आज कोई बात जरूर है, कोई गांव पर कोई मुसीबत आने वाली है। और आज स्थिति यह है कि थानेदार भी सामने से निकलता है तो लोग चारपाई पर से नहीं उठते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो नेक्सस बना हुआ है, भाई आप वो अगर थानेदार बैठ के बदमाशों के साथ अपराध किएगा, उनके साथ दावत उड़ाएगा, पैसे लेगा, उनको गाड़ी में बिठा के घुमाएगा, तो हाउ दे कैन मेंटेन द डेकोरम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फियर। समझ गया आपने? तो ये जो प्रशासन का जो भय खत्म हो रहा है, ये प्रशासन के लिए और समाज के लिए सबसे खतरनाक है। आज जो जिस तरीके से, और दूसरी जो उससे बड़ी समस्या ये है हमारे अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ी समस्या है। वो ठीक है, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या है गरीबी, लेकिन कोई बात नहीं, गरीबी दुनिया के तमाम देशों में है, लेकिन गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप किसी घर में घूम जाइए। आप मेहनत करिए और रिसोर्सेज जनरेट करिए, आप उसको करिए। और जो भी आपने एक बात कही गई वो या स्किल की कमी, मैं आपको एक और बात बता दूँ, दुनिया के तमाम देश जो है वो बूढ़े हो रहे हैं, और दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो बहुत तेज़ी से जवान होता जा रहा है, की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ जो एक युवा आबादी है, ठीक है ना, वो बहुत तेज़ी से एक आकार लेती जा रही है। तो आपका ये दोनों जवाब जो था वो अप टू द मार्क नहीं था। धन्यवाद सर, आपने मुझे बहुत अच्छी बताई थी। मैंने इसलिए आपको कहा कि आपने भाई हमारे जिले का आदमी SDM DPSP लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई एक आदमी हमारे जिले का लगा है। तो भाई इतना फेवर तो हम कह के कर ही सकते हैं, बाकी हम आपको फेवर कर सकें ना कर सकें अलग बात। दूसरी बात और बताइए आप मुझे, किसी ऐसे देश का नाम आप बताइए जिससे भारत को एग्रीकल्चर में और आतंकवाद से निपटने में बड़ी मदद मिल रही है। सर, इसराइल एक ऐसा देश है इस टाइम ये भारत के एग्रीकल्चर और आतंकवाद दोनों निपटने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अच्छा, उसके बारे में कोई बात बताएंगे आप? सर, ये एक यहूदी राष्ट्र है, ये द्वितीय वर्ल्ड विश्व युद्ध के बाद बसाया गया है, और काफ़ी अभी ये गाजीपुर अपने पड़ोसी देश युद्ध के चक्कर काफ़ी चर्चा में रहता है सर ये, लेकिन सर इसने बहुत तेज़ी से अपने आप को विकास विकसित किया और आज ये विश्व के विकसित देशों की लाइन खड़ा है सर। इसने अपने आतंकवाद और एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारी चुनौतियों को बहुत तेज़ी से सामना किया सर, और आज वो सर लद्दाख की स्थिति में है। कितने दुश्मनों से घिरा हुआ है कुछ इसके बारे में बताएं, कोई कितने देश ऐसे हैं जिनसे घिरा हुआ है? सर, ये एक तरफ इराक से घिरा हुआ है। नंबर बताइए, संख्या बताइए।
संख्या में गिन नहीं पा रहा हूँ, गिन लीजिएगा ठीक है। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताई। और एक और जो चीज़ जिसके कोई उदाहरण ऐसा दीजिए जो आपका आतंकवाद से निपटने में बहुत इसको महारत हासिल हो, भारत इससे सीख रहा है और भारत ने कोई इसने तमाम चीज़ें मतलब दिया है। कारगिल की लड़ाई जो हुई थी, उस कारगिल की लड़ाई में तमाम जो आर्म्स इक्विपमेंट्स थे वो इन्होंने सप्लाई किया था, वो फोर्स के गोले भी इन्होंने सप्लाई किया था। और दुनिया का पहला देश है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से पूरा देश रहा है, और हर दिन वहाँ कम से कम 13 रॉकेट रोज दागे जाते हैं पर डे। अब उसने बराक ओबामा मिसाइल भी दिया इंडिया को, किसी और मामले में चर्चित हुआ वो लास्ट अभी हाल में ये राजधानी को लेके। हाँ सर, यरूशलेम की राजधानी को लेके कुछ देशों ने यरूशलेम को मान्यता दी उसकी राजधानी, क्योंकि यूएसए और अन्य देशों ने, बाकी कुछ देशों ने भी इसकी मान्यता नहीं दी क्योंकि वो अरब बॉर्डर से लेकर कंफ्लिक्ट है सर। नहीं, आतंकवाद पर आपने कहा कि बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस है, तो कोई उदाहरण आप दीजिए कैसे कैसे आपको लगा कि मुझे नहीं पता है कि आतंकवाद से निपटने में क्या इसको एक्सपर्टाइज है, आप थोड़ा बताइए कैसे। तो मैं वो समय नहीं याद कर पाऊँ, लेकिन एक बार यहाँ क्या कि जैसे हमारे यहाँ विमान हाईजैक हुआ था, उनका विमान हाईजैक किया गया था, वो उस विमान हाईजैक को उन्होंने बड़ी अच्छी से हैंडल किया था, उन्होंने साहब की करते ना मान के उन्होंने अपने जहाँ उतरा उससे पहले वहाँ पहुँच के उसको हाईजैक को छुड़ा के अपने पास ले वापस ले आया था। इसके अलावा ओलंपिक में एक बार इनके इनके 14-15 खिलाड़ियों को आतंकवादी ने मार दिया, और इनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोशाद, बहुत दुनिया की सबसे फ्रंट रैंक एजेंसी है इंटेलिजेंस की, उन्होंने 18 साल लगा दिए ढूंढने में उन आतंकियों को, लेकिन एक एक आतंकियों को ढूंढ के और उसको चुन चुन के बारे में हॉलीवुड की मूवी बनी है। हाँ, एक उन्होंने भी लेटेस्ट एक शॉर्ट कार्डनल राइफल डेवलप किया है जो 360 डिग्री तक घुमा के उससे फायर किया जा सकता है, और आतंकवादी कोने में भी हो तो उसके सीधे मतलब हेड पर फायर किया जा सकता है। दुनिया का पहला देश है। आप लोग पूछिए। अमित जी, आपका एक विषय इतिहास भी है। यस सर। आप सामंतवाद और जमींदारी प्रथा को कैसे अलग करते हैं? सर, सामंतवाद एक बृहद कॉन्सेप्ट है, सामंतवाद जमींदारी से बड़ा आगे बढ़े हुआ कॉन्सेप्ट है। सामंतवाद में व्यक्ति जो है सामंत जो होता था वो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक हर पहलू पे वो उसके मतलब विचारधारा है उसकी जिस पर काम होता है। जमींदारी सर एक आर्थिक कॉन्सेप्ट था कि मतलब जो बीज की बिचौलिया होता था उसको भूमि का मतलब मालिक बना दिया था, वो जो है राजस्व वसूली करके और अपने जो सरकार को पहुँचाता था जमींदारी का। सर, सामंतवाद कब हो रहा है? सामंतवाद 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक माना जाता है इंडिया में। आप इतिहास पढ़ते समय कहीं ऐसा देखें इसका आंशिक शुरुआत से पहले हुआ कहीं? हाँ सर, ये तो मतलब अगर शुरुआत वास्तव में देखी जाए तो सर सातवाहन काल से ही उन्होंने लगा था एंशिएंट इंडिया में ही। जब तो सामंत कौन कहलाता था? खासकर आपने पढ़ा होगा कि लेटर गुप्ता पीरियड सामंत बड़े मजबूत हो गए, तो कौन सी शक्तियाँ दी गई शासकों के द्वारा? सर, सामंत शक्तियाँ देने के क्रम में अंतिम जाते जाते उनको सारी शक्तियाँ दे दी गई। राज जो केंद्रीय राजा होता था अगर वो कमजोर होता था तो सामंत ज्यादा शक्तियों का उपयोग करते थे, अगर केंद्रीय राजा था मजबूत होता था तो राजस्व की शक्तियाँ जैसे जो उसके आसपास के क्षेत्र होते थे उसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता था, वरना जो कंट्रोल करना मुश्किल था उनके लिए वो राजस्व से समझौता करता था। आपने बताया कि भाई बड़ा बृहद कॉन्सेप्ट है ना सांस्कृतिक आर्थिक, सांस्कृतिक कैसे सामंतवादी जो व्यवस्था है उसमें सांस्कृतिक चीजें कैसे समाहित थी? सर, इसमें सांस्कृतिक चीजें इस तरह समाहित थी कि यहाँ जो लोकल संस्कृति होती थी उसको बढ़ावा मिलता था। जैसे बृहद कॉन्सेप्ट में केंद्रीय संस्कृति को वहाँ पर डिनाई किया जाता था, जैसे आप एक उदाहरण से मंदिर को देखें तो सामंतवाद में मंदिर काल में एक होता था कि एक मुख्य भगवान होते थे मंदिरों में, उसके बाद छोटे मतलब और अन्य भगवानों की भी वहाँ पे स्थापना की जाती थी। एक सामंतवाद की संस्कृति पहचानती थी कि बड़ा सामंतवाद जो है राष्ट्रीयता के लिए नुकसानदायक था। यस सर, फिर सांस्कृतिक समन्वय कारक कैसे हो गए? समन्वय नहीं करता था ये क्षेत्रवाद में सीमित कर देता था, जबकि राष्ट्रीय संस्कृति के लिए पूरा पूरी क्षेत्र को होना चाहिए, सामंतवाद के छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देता था पूरे देश को। अच्छी बताइए, सोशल वर्क भी आपका है सर, है ना? सोशल वर्क में आपने पढ़ा होगा व्यक्तिक समाज कार्य के बारे में, है ना? तो पुनर्वास शब्द है, अनुवर्ती प्रयास शब्द है, तो अनुवर्ती प्रयास और पुनर्वास दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, पुनर्वास में जैसे कोई व्यक्ति मुख्यधारा से भटक चुका है तो उसको हम मुख्यधारा में लाते थे, उसका फिर से पुनर्वास कराते थे, और पुनर्वास कराने के बाद हम ये दोबारा देखते थे कि कहीं व्यक्ति फिर से तो मुख्यधारा भटक नहीं जा रहा है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं वो फिर भटक रहा है, फिर उसी क्षेत्र में जा रहा है, उसके लिए फिर हम
उसका सामाजिक समाजीकरण करते थे उसको समाज मुझे लगता है बहुत रैंडम उत्तर दे रहे हैं कई बार चीजें कि भाई हमसे समाजीकरण चाहते थे और भटकाव वाला कैसा भटकाव स्पेसिफिक होना चाहिए ना कि भाई आखिर सेवार्थी के अंदर कौन सी समस्याएं देखता था कार्यकर्ता जैसे था मनोसामाजिक समस्या मानसिक और सामाजिक समस्या से कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान है तो उसको हम जो है उसका पुनर्वास करते थे उसकी समस्या का समाधान करते थे उसको मतलब वो सामाजिक समस्या कोई जैसे मान लीजिए किशोर अपराधी है ना तो उसका पुनर्वास कैसे कीजिएगा सर उसके पीछे का हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में मतलब उसके अपराधी होने के पीछे कहीं का तो समाज तो नहीं है उसका पर्यावरण तो नहीं है और उसका पर्यावरण उसके मान उसके अपराधी होने का कारण है सर तो उसको उस पर्यावरण से निकाल के किसी अन्य पर्यावरण में जहाँ के समाज उसको अपराधी बनने नए बनने थे वहाँ पर उसको पुनर्वास कराएंगे सर उसको जैसे सर कोई मान लीजिए आपको ऐसा संभव लगता है कि जिस समाज से कोई बच्चा जन्म के बड़ा हुआ उसी मिट्टी में है ना वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को उसने आत्मसात किया किसी कारण से उसने अपराध किया अब जब अपराध में पकड़ा गया है ना और सपोज वो छूट के आया या उसको जो है रिमांड होम से छोड़ दिया गया अब समाज में उसको उस समाज से दूसरे समाज में ले जाएगा तो उसको लगता है कि भाई वो उस समाज को अडोप्ट कर पाएगा या उस समाज उसको अडोप्ट कर पाएगा सर उसको प्रयास करेंगे उसके लिए अगर समाज वास्तव में उसके अपराध का कारण समाज है सर तो उसके परिस्थितियों में पर्यावरण को बदलना पड़ेगा वरना फिर वो उसी पर्यावरण में रहते हुए उतना टफ काम क्यों करने जाएंगे जिस समाज का वो सदस्य है हम उसी समाज में अगर उसका पुनर्वास करेंगे तो बेहतर होगा ना यस सर उसी समाज में करेंगे समाज में ही सुधार का प्रयास करेंगे सर सामाजिक क्रिया के माध्यम से समाज में ही प्रयास सुधार का प्रयास करेंगे सामाजिक क्रिया के माध्यम से यस सर सामाजिक क्रिया क्या होती है सामाजिक क्रिया सर एक आंदोलन के रूप में किसी समस्या का समाधान करना है तो आप किसी बाल अपराधी को सुधारने के लिए अपना आंदोलन नहीं किए अगर सर समाज वहाँ पे दूषित है अगर समाज बाल अपराधी जैसी तो समाज से कुछ ऐसे चीज़ों को बाल अपराधी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे अगर उनको कई अन्य जगह पुनर्व्यवस्थापित कर पा रहे हैं तो अगर आप सामाजिक क्रिया में ये करेंगे तो सामुदायिक समाज कार्य में क्या करेंगे सर एक समुदाय की समस्या होती है अच्छा अमित जी आपको पता है ना कि पहले सामाजिक क्रिया कोई स्वतंत्र इकाई नहीं हुआ करती थी सामुदायिक समाज कार्य के अंतर्गत ही उसको बढ़ाया जाता है ना तो सामुदायिक समाज कार्य और सामाजिक क्रिया दोनों को बहुत गहरे अंतर संबंध है और जो आप बता रहे हैं उदाहरण है ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सामुदायिक समाज कार्य का हिस्सा है ना कि सामुदायिक समाज कार्य एक समुदाय समस्या है सामुदायिक समाज कार्य से ही होता है ये सामाजिक नहीं है चलिए अमित जी आपका नाम भी अमित है मेरा भी नाम अमित है तो थोड़ा सा अमित के नाम का अर्थ मुझे थोड़ा बताइए क्या है जिसका अमित के नाम का सब अर्थ होता है जो अतिशाली जिसका कोई मतलब अमित्र ना हो सब उसके मित्र हो तो वो अमित्र हो जाना चाहिए या अमित है मित मतलब होता है माप और आ मतलब जिसे मापाना जिसे मापाना मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके बारे में जल्दी से कोई डिफाइन ना कर पाए अमित मतलब हो ठीक है ये बताइए अभी हम देख रहे थे कि गोरखालैंड चर्चा का विषय बना था और इतिहास आपका विषय भी रहा है तो जो गोरखा लोग हैं इनका भारत से इतिहास क्या रहा है और क्यों एक ये समस्या के रूप में बार बार उठ के आ रहा है बीच में जबकि गोरखा नेपाली हैं हमने भारत में उन्हें रखा हुआ है क्या कारण है क्या उन्हें उनके लिए एक अलग से राज्य देना चाहिए या नहीं देना चाहिए सर किसी भी समुदाय को अलग राज्य देना समस्या का समाधान नहीं तो फिर अभी हमने आपने देखा होगा तेलंगाना राज्य बनाया है सर उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस बात की मांग अगर वहाँ के मतलब बहुसंख्यक लोग इस बात की मांग करते हैं तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या वो अलग राज्य बनाने की समस्या का समाधान हो जाएगा या कोई और विकल्प है उसके समाधान के लिए तो हमें समस्या समाधान ज़्यादा फोकस करना चाहिए अच्छा अभी आपने बताया कि जो है सोशल वर्क आपका है विषय भी और अभी जो है रिपोर्ट आई है भारत में अपराधों की जिसमें हम देख रहे हैं कि MP जो है पिछली बार भी नंबर ऑफ रेप केसेस में नंबर एक पर था इस बार फिर से है जबकि कृषि में बहुत अच्छा कार्य MP के द्वारा किया जा रहा है तो ये क्या समस्याएं हैं रूट लेवल पर ये क्यों इस तरीके के अपराध वहाँ पर बढ़ रहे हैं सर इस अपराधों का मुख्य कारण सर शिक्षा है कहीं ना कहीं हम नैतिक शिक्षा देने में कमजोर पड़ रहे हैं या फिर लोग शिक्षित होने में नैतिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं
शिक्षित होकर क्या किसी समस्या का हल निकल सकता है या जागरूक होकर हो सकता है? जागरूक होकर हो सकता है इसी समस्या का। तो जागरूकता के लिए शिक्षित होना जरूरी है या हम अगर कोई शिक्षित नहीं है उसे भी जागरूक कर सकते हैं? सर, जो शिक्षित है उसको भी जागरूक कर सकते हैं जी। शिक्षा आवश्यक होंगे। ठीक है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? PCR RBI ने अभी गठन किया और कर रही है, अभी पहले सब न्यूज पेपर में ही आया था। ये बताइए, सवाल आप और हमसे पूछ नहीं, आपसे पूछना, ये बजट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। भारत का जो सरकारी खर्च है एक दिन का कितना है? सर से मैंने पढ़ा, लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहा इसको। कोई ऐसा स्टेट आप बताएं कि हिंदुस्तान का जहाँ का जो हेल्थ का बजट है वो उतना है जितना केंद्र सरकार के हेल्थ का बजट है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में जिक्र है। सर, अनुच्छेद 19 में भी इसका जिक्र किया गया है। संविधान संशोधन 2011 में किया गया था, सरकारी संस्थाओं का, उसमें अनुच्छेद 19 में इसका जिक्र किया गया है। और बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार सर, इसको राज्य के द्वारा नीति निर्देश देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? सर, हम सोसाइटियों की मतलब निरीक्षण करते हैं कि वो अपना काम, जैसे खाद खाद बांटना और जैसे क्रैकेन बनाए गए तो क्रैकेन धान या नहीं हुआ क्रैकेन बनाना, उनका निरीक्षण करते हैं सर। उनको सही समय खाद उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं सर। ये सब लोगों के सारे AGM जैसे कुछ समान समान निकाय की बैठकें कराते हैं उनके समय समय पर। भारत में सहकारिता आंदोलन जो है वो दूध के अलावा दूसरे क्षेत्रों में बहुत सफल नहीं हुआ, कारण क्या पाते हैं? सर, दूध के अलावा दूसरे क्षेत्र में सफल होने न होने का कारण एक है कि इसमें बिचौलियों की बड़ी लाइफ रही है सर। और जैसा कि दूध में कुरियन साहब ने बिचौलियों को ही खत्म कर दिया, डायरेक्ट उपभोक्ता को देते थे और उत्पादक से लेते थे, इस वजह से उत्पादन बहुत सफल रहा इसमें। और साथ ही सर, इसके कई ऐसे डायमेंशन हैं जैसे कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है सर, ये और उस क्रम में कई बार जैसे कि बैंक से जुड़ा हुआ है ये लोनिंग प्रक्रिया से, और इसमें ऋण माफी जैसे कई ऐसी बातें हैं जिससे कि बैंकों को वापस कर्ज नहीं आए और ये फ्लॉप हो गए सर। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है जो सरकार के चुनाव के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करता है और उनको सुझाव देता है। इसके सुझाव अनिवार्य करते हैं या नहीं सर? ये बात नहीं होती सलाहकारी प्रवृत्ति की। भारत में कई बार जो है सभी चुनावों को एक साथ करने की बात की जा रही है, तो उसका आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? सर, इससे कुछ सकारात्मक चीज़ है, कुछ नकारात्मक चीज़ है सर। सकारात्मक ये है सर कि इसको जो है कि मतलब इसे करने से बहुत सारे व्यय में कमी आएगी सर। दूसरी चीज़ जो बार बार आचार संहिता के नाम पर विकास कर सकता है, ये सही होगी, मतलब ये नहीं करना पड़ेगा, बार बार संहिता नहीं लगेगी। लेकिन इसके नकारात्मक कभी भी है कि इसके लिए बड़ा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना पड़ेगा, मतलब चुनाव आयोग को ये बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस 1967 तक जब तक एक देश एक चुनाव होता था उसके बाद जो चीज़ें आई जिसकी वजह से चुनाव डिस्टर्ब हुआ वो आगे भी आ सकती हैं सर। सरकारी दे सकती हैं फिर से चुनाव कराने के लिए, उसके एक बड़े संविधान संशोधन कर सकता है जो कि पूरी सारी पार्टी के साथ आना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा इसके लिए कि कोई सरकार अगर बीच में गिरती भी है तो उसको कैरी ऑन किया जाए बड़े दल के द्वारा। इस टाइप की सोच रहे हैं। बैडमिंटन में किस खिलाड़ी को आप आइकॉन के रूप में देखते हैं? पीवी सिंधु। क्या खासियत है सर? ये अपने कद का अच्छा उपयोग करती है बैडमिंटन खेलने में और जो स्मैश की जो होता है उसको करने में बहुत माहिर है। अच्छा, स्पोर्ट्स के
द्वारा स्पोर्ट्स में इधर भी लड़कियों को ज़्यादा अपेक्षाकृत अच्छी सफलता मिली, तो इसके पीछे क्या कारण? तो इसके पीछे उनकी मेहनत है, बाकी ऐसा नहीं है, पुरुष भी सफल हुए हैं कई जगहों पर। आप कुछ जगहों के साथ तुलना करो, ओलंपिक में पी वी सिंधु और सचिन मलिक जैसे दो ही हमारी महिलाएं सफल हुई, लेकिन फिर आगे पुरुष भी सफल हुए, किदाम श्रीकांत जैसे भी पुरुष हुए हैं जो कि चार चार टूर वो जीते हैं उन्होंने लगातार। एस डी एम भी कोई काम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित करता है, इनका निरीक्षण का अधिकार होता है, ये कोऑपरेटिव निरीक्षण कर सकते हैं। कोऑपरेटिव का निरीक्षण कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत डेवलप है? महाराष्ट्र का नाम सुना? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? यस। आपके हिसाब से सबसे प्रमुख खबर क्या है? तो जीएसटी की दरें कम की गई हैं, कुछ वस्तुओं की जीएसटी की दरें 28% से घटाकर 18% से कम की गई है, ये मुख्य खबर है सर। जीएसटी जो है वो किस प्रकार का टैक्स है? सर ये अप्रत्यक्ष कर है, बहुत सारे प्रत्यक्ष करों को हटा के लिए कर लगाया गया, एक देश और एक कर की संकल्पना है सर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? सर सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची में किसमें है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसमें? समवर्ती सूची में सर, किसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के तीन अवरोध बताइए, तीन बाधाएं बताइए जो यूपी के डेवलपमेंट को रोक रही। आधारभूत संरचना और इंडस्ट्री का अभाव और एग्रीकल्चर को सही मूल्य न मिल पाना। लाइन ऑर्डर सिचुएशन नहीं, सर लाइन ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, सिचुएशन अभी चुनौतीपूर्ण नहीं, लेकिन सर वो मुख्य कारण नहीं है। अगर हमारा वो संरचना में को विकसित कर लें और जो को यहाँ पे ले आए तो सर रोजगार बढ़ेगा, जिससे लाइन ऑर्डर की समस्या भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से कम रहेगी सर। इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट यूपी में है? नहीं सर, उसको बनाने की आवश्यकता है, अभी पूरी तरीके से नहीं, अभी बनाने की आवश्यकता है, इसलिए आधार को समझना बहुत काम करना पड़ेगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार कहाँ हो रहा है? वाराणसी में। तो इससे कुछ उत्तर प्रदेश को फायदा मिलेगा? यस सर, जो विश्व के प्रवासी होंगे यूपी में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो निवेश के लिए प्रेरित होंगे, इस चीज़ से यूपी को यूपी से पर्चा कराएंगे उनका सर, और वो यूपी से उनके निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। कुछ प्रवासी ऐसे जो पर्टिकुलर यूपी से हैं सर, तो वो ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। प्रवासियों से कोई फायदा आपको लगता है? यस सर। किस तरह? सर एक तो सामाजिक फायदा होता है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने देश से जुड़ाव प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ सर वो निवेश के रूप में अपने मतलब पैसे जमा करने के अकाउंट खोलने के रूप में और कई सारी चीज़ें होंगी सहायता करते हैं। विदेशी मुद्रा यस सर, वो जो इम्पोर्टेंट हो वही एक ही है, वो जहाँ रहते हैं अपना भाईचारा बना लेते हैं, कोई नवाज मुड़ के वो एक अलग चीज़, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल केमिस्ट्री, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो आप जहाँ रहेंगे बना लेंगे, हमने भी बना लिया, वही अपने लोग हैं सभी लोग, लेकिन जो फॉरेन करेंसी है वो उसका रिजल्ट बढ़ता है, ठीक है ना। और